चलिए तो एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बताते चले कि पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के खिलाफ लगातार जम्मू के अंदर धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया गया है। पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है और एकजुट संगठन ने ये अलायंस की बैठक का विरोध किया है और बैठक में शामिल सियासी दलों और संगठनों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की जा रही है। और आखिर आपको यह भी बताते चले कि लगातार विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला अब बदस्तूर जम्मू में अंदर भी शुरू होता हुआ दिख रहा है, जिसमें एकजुट संगठन ने लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया है। पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की आज पहली बैठक जम्मू के अंदर हो रही है, लेकिन उसी के मद्देनजर रखते हुए आप देखिए कि सड़कों पर किस तरह से एकजुट के जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते हुए ये नजर आ रहे हैं, अपना रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और बैठक में जितने भी सियासी दल हैं संगठनों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की जा रही है। साफ तस्वीरें आपके सामने फ्लैश होती हुई आप देखिए कि भारत का झंडा उठाकर ये लोग किस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी बैठकों का दौर शुरू करने के लिए। लेकिन अहम सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ गुपकार डिक्लेरेशन की मद्देनजर रखते हुए बैठक का दौर शुरू किया गया और दूसरी तरफ आप जम्मू की सड़कों पर देखिए कि किस तरह से लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर गुस्सा इन लोगों के अंदर देखा जा रहा है और पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पर कई जंगीन जो आरोप है वो इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं और एकजुट संगठन के ये सब लोग हैं जो अलायंस को लेकर बैठक का विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं और बैठक में जो शामिल है सियासी दल उनके संगठनों के खिलाफ भी लगातार यहाँ पर रोष प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और हर किसी की यही डिमांड है, हर कोई यही रोष अपना व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है कि पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को जम्मू के अंदर बैठकें करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। लेकिन एक तरफ बैठक का दौर शुरू है और दूसरी तरफ आप देखिए कि रोष प्रदर्शनों का भी जो सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है।